राम राम जी। आज मैं एक और टैटू रिमूवल करने जा रहा हूँ, मैं दिखाता हूँ आपको टैटू। भैया बाहर से हैं, रायपुर से ही हैं, मतलब ये मेरा फ्रेंच टैटू आप देख सकते हैं। और अभी एक दूसरा टैटू रिमूवल करने जा रहा हूँ, सुबह एक किया हूँ और उनको दिखाता हूँ। उनका बहुत डार्क टैटू है और डार्क को ना कैसे लाइट में कन्वर्ट करते हैं और कितना परसेंट उनका निकलता है एक बार के बाद, मैं आपको बहुत जल्दी दिखाता हूँ। और देख के बताना कैसा निकल रहा है कैसा नहीं निकल रहा है, तो समझ में आएगा आप लोग कमेंट करना। अभी एक दो लोग वेटिंग पे बैठे हुए हैं, फिलहाल एक लोगों का टैटू चल रहा है, बन रहा है और मैं एक रिमूवल करने जा रहा हूँ। और ये भाई साहब हैं रिमूवल करवाने के लिए। दिखाओ कहाँ पर है टैटू, ये सामने इनके हैंड पे आपको दिख रहा होगा टैटू। ये वाला टैटू रिमूवल होगा और इस रिमूवल को बहुत अच्छा रिमूव करना है। और रिमूव करते करते मैं आपको लाइट दिखाते जाऊंगा कि कितने परसेंट इनका लाइट होता है कितना परसेंट नहीं होता है, सारी चीज़ें आप देखते जाना। भैया बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं पुणे, कहाँ पुणे जा रहे हो ना पढ़ने के लिए, और इसके वजह से इनको टैटू रिमूवल करवाना पड़ रहा है। इनके पिताजी बोले हैं कि टैटू रिमूव करके जाओगे तो ही पढ़ने जाओगे, तो इनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, ये बच्चे हैं आप देख सकते हो, उनकी दाढ़ी हारी भी नहीं है अभी फिलहाल, मगर बंदा स्मार्ट है ना। तो मैं रिमूव कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा। पूछ रहे पेन नहीं करेगा, आपको बताता चलूंगा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये डर गया है, कुछ नहीं होता है। ये जो बना हुआ है इनका टैटू, ये बहुत डार्क टैटू है, डार्क मतलब बहुत डार्क है। और ये ना पूरा सामने हथेली के ऊपर, ये जो काम जो बनना है ये थोड़ा सा पेन करता है, बट बहुत पेनफुल नहीं बोलेंगे, आप देख सकते हैं ये शुरुआत के दर में डर लगता है।
अभी कई हद तक रिमूव हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा। अभी जो रिमूव किए हैं वो आपको मैं दिखा देता हूँ कि कैसा रिमूव हुआ है, ठीक है। किए हैं उसको आप देख सकते हो, ये ऐसा रिमूव हुआ है, दिख रहा होगा आपको। और ये पूरा दाना दाना टाइप से होता है, और ये ना हल्का सा इस पर बबल्स आएंगे और धीरे धीरे इसको रिमूव होंगे, और जब ये रिमूव होंगे ना तो थोड़े से घाव बनते हैं। और एक मेडिसिन है जो सिंपल तरीके की रहती है, मैं वो मेडिसिन इनको लिख के दूंगा। कुछ खाने की भी दवाइयाँ रहती हैं, वो नीड होती है तो खाते हैं, नहीं तो मैं उसके लिए भी कभी जल्दी हाँ नहीं बोलता हूँ। और 100% उम्मीद करता हूँ कि इनकी जल्दी टैटू रिमूव हो जाए, जल्दी लाइट हो जाए। और सेक्शन ये पूरा इनको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर पूरा सेक्शन लेते हैं तो रिमूव हो जाता है। बहुत पेनफुल नहीं होता है, शुरुआती दौर में डर सबको लगता है, बस इतने डरने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिमूव होता है, ये क्लियर है कि रिमूव होता है। और जिसको भी अगर रिमूव करवाना है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको कॉन्टैक्ट नंबर नीचे दूंगा। और कॉन्टैक्ट के साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगा कि सुबह ना 5-7-8 बजे कॉल ना लगाएं, कम से कम 9-10 बजे के बाद कॉल करें आप मुझे। या फिर आपको कोई इंक्वायरी करना है तो मैं फ्री इंक्वायरी देता हूँ, मुझे व्हाट्सअप मैसेज करिए, मैं व्हाट्सअप पर मैसेज में आपका रिप्लाई दूंगा। और रात में 10 बजे के बाद प्लीज़ कॉल ना करें, जो भी रात में वीडियो देखते हैं या दिन में वीडियो देखते हैं, सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक कॉल मैसेज सब कर दीजिए, मैं सब कुछ अटेंड करूँगा, सबका रिप्लाई दूंगा। तब तक के लिए मैं एक दूसरे और वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में भी आप लोगों से मिलूंगा, और उसमें भी जो रहेगा वो आपको बताता रहूंगा हमेशा। और फिलहाल इनकी मुस्कुराहट देख सकते हैं, है ना, कितना दर्द हुआ बताओ? थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा दर्द हुआ है, और आराम से करवा लिए हो। क्या उम्र है अभी आपकी? मेरी 16 ईयर। ये अभी 16 ईयर के हैं, और कितने पहले बनवाया उस टैटू को? 1 साल पहले। 1 साल पहले ये टैटू बनवा के आए हैं, कहाँ से बनवाए थे? हाँ, तो इस टाइप से मैं ये कहूँगा कि अगर थोड़े से कम उम्र के बच्चे हैं तो टैटू ना जल्दी बनवाएं, थोड़े से उम्र हो जाने पे बनवाएं तो सब कुछ अच्छा लगता है। और अगर आप डिफेंस डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए, तो आप पुराना गोदना होगा तो भी हो जाएगा, टैटू है तो भी हो जाएगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से निकलवा सकते हैं। और जितना ईजीली प्रोसेस मैं देता हूँ, सारी दुनिया देती होगी मुझे नहीं पता, बट मैं आपको ना बहुत सिंपल तरीके से आपका टैटू रिमूव करता हूँ, और आराम से होता है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से रिमूव होते हैं। अगर आप ऐसा कुछ देख रहे हो, रिमूव करने का सोच रहे हो, तो मेरे दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करिए, और आपका जब मन करे तब आइए। और सारी इंक्वायरी आप मुझे फ़ोन पे भी ले सकते हैं। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ, रायपुर से बाहर से जैसे दिल्ली मुंबई गोवा पुणे से लोग देखते हैं वो बहुत ज़्यादा दूर के लोग हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको आने से मना करता हूँ। अगर पास के हैं तो आप आ सकते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ के आसपास में हूँ, छत्तीसगढ़ के कहीं 200-300-500 किलोमीटर के दूर है। एक और चीज़ है, अगर आप इतनी दूर से हमारे पास आते हैं तो कृपया करके नशा करके ना आएँ, और नशा करके नहीं आएँ, और अगर बाइक से आते हैं तो हेलमेट लगाएँ, कार से आते हैं सीट बेल्ट ज़रूर लगाएँ। और मिलते हैं नए वीडियो में कुछ और टैटू लेके रिमूवल के लिए, तब तक के लिए सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा।